कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ थाने में महिला पुलिस वॉलेंटियर की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से पुलिस विभाग के अधिकारी एसजीओपी लालचंद्र मोहले व थाना प्रभारी तेजनाथ सिंह उपस्थित थे। बकोरिया जिले में पुलिस के साथ कदम दर कदम अपने अपने क्षेत्रों में हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने वाले महिला वॉलेंटियरों का मनेन्द्रगढ़ थाने में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 महिलाओं ने भाग लिया। वहीं बैठक में महिला वॉलेंटियर से उनके द्वारा अपने क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों व समस्याओं के बारे में पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा जानकारी ली गई। वहीं थाना प्रभारी तेजनाथ सिंह के द्वारा वॉलेंटियर से कहा गया कि आपके क्षेत्र में किसी भी कार्य में समस्या आती है तो आप तत्काल पुलिस की मदद ले सकते हैं। साथ ही बैठक में मौजूद महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस थाने का फोन नंबर दिया गया, जिससे ड्यूटी के दौरान किसी भी बाधा या परेशानियों के दौरान पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। तो उस विषय में हम कैसे अपनी मतलब अपना बचाव करते हुए कैसे उनकी सुरक्षा करें, जैसे घरेलू कोई विवाद हो रहा है तो सर को सीधे हम संपर्क करें, या चाइल्ड लाइन के विरुद्ध बच्चों पे अगर कोई यौन उत्पीड़न हो रहा है तो उसमें कैसे हम कार्रवाई करें, सीधा मतलब बाहरी फोन कॉल ना करके हम सीधे थाना में फ़ोन कर सकते हैं, थाना प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं और पूरा उनका हमें सपोर्ट मिल रहा है और वो पूरी हेल्प हमें मिल रही है थाने से। थाना प्रभारी के द्वारा हमें ये बताया गया कि कैसे हम अपनी सुरक्षा करते हुए भी औरों की सुरक्षा कर सकते हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण दे सकते हैं, ना कि महिलाएं, पुरुषों को भी हम इस बारे में जानकारी दें कि कैसे महिलाओं के साथ व्यवहार करें। समस्याओं की अगर बात करें तो आप लोगों ने कौन सी समस्या रखी है उसके बारे में? थाना प्रभारी जी से पहला तो सर हम लोग का ये है कि हम लोग के पास ड्रेस ही नहीं है, सिर्फ 50 लोगों को ही ड्रेस दिया गया था, वो स्टार्टिंग में जो दिया गया था। उसके बाद हम लोग को ड्रेस, हैट, बिल्ला और एक सिटी हम लोग के साथ आती है विषय, वो भी हम लोग को नहीं मिला है और बहुत लोगों को नहीं मिला है। ये प्रॉब्लम हम लोगों को, ऐसा नहीं कि 50 लोगों को मिल गया, तो हम ये चाहते कि हमारी सारी जो महिला पुलिस टीम है, जितनी भी वॉलेंटियर्स हैं, उनको सबको ड्रेस कोड मिले और सभी अच्छे से काम करें। क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं आप लोग कौन हो, क्योंकि वो अनड्रेस आते हैं तो आप लोग कौन हो, ये क्वेश्चनिंग होती है। हमारा हर चीज़ हमारे साथ रहेगा तो हम दिखा सकेंगे कि हम हैं, हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हमारे पास हैट है, बिल्ला है, ये सारी चीज़ें हमारा ड्रेस कोड है, हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी बताने। तो ये हमें सबसे बड़ी हमारी समस्या ये है। और बोल सकते हैं हमारा पेमेंट क्या है कि हम लोग को 2018 से नियुक्त किया गया था मनेन्द्रगढ़ में, जहाँ तक कि मुझे याद है हमारा काम हुआ था स्टार्टिंग से ही, सीएम सर समय रमन सिंह जी थे हमारे, तो उनके द्वारा हम लोगों को बोला गया था कि आप लोग काम शुरू करिए, तो हम लोगों ने काम शुरू किया। फिर हम लोगों को बीच में एक साल हम लोग को पैसा ही नहीं दिया गया, किसी को भी नहीं मिला। फिर सेकेंड हम लोग को 2019 से पैसा हाफ मंथ से स्टार्ट हुआ और वो हम लोग को कुल मिला के अभी तक 9000 रुपये ही मिला है और उससे कहीं ज़्यादा हम लोग का खर्च हो गया। कभी हम लोग को बुलाया जाता है बैकुंठपुर, तो बैकुंठपुर बुलाया जाता है महिला बाल विकास द्वारा, तो उनके द्वारा बुलाया जाता है, तो हम लोग को वहाँ का खर्चा जो हमारा लगता है वो भी नहीं दिया गया। और हम लोग को चिरमिरी भी स्टार्टिंग में ड्यूटी लगाई गई थी 2018 में, तो वहाँ पर भी हम लोग का आने जाने का कोई खासा प्रबंध नहीं किया गया था कि मतलब किस तरीके से जाए कैसे आए, और कहीं भी आने जाने का हमारा कोई खास वो नहीं है कि हमारी पुलिस गाड़ी कोई ऐसा हम लोग को दिया जाए। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा कोई सेड हो या हमारे वार्ड में ही हमारा कोई सेड हो कि हमारे पास महिलाएं आए अपनी प्रॉब्लम बताएं और हम लोग उसका निराकरण नहीं कर सकते, जहां तक हमें समझाइश देने के बाद अगर नहीं कर सकते तब हम लोग थाने आए। ठीक है। हाँ, हमारे पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रमोहन सिंह जिला कोरिया एवं आईजी सर श्री रतन लाल डांगी एवं डीजीपी श्रीमान अवस्थी सर का निर्देश है कि हमारे जो महिला थाना क्षेत्र में महिला वॉलंटियर पुलिस है, उनका एक बैठक लेके इनको बढ़ते समाज में अपराध को रोकने के लिए इनको गाइडलाइन समझाइश देना है एवं इनकी समस्याओं को सुनने का निर्देश प्राप्त हुआ था। उसी निर्देश के परिपालन में आज दिनांक 13/2/2020 को मैंने अपने थाना क्षेत्र के सभी महिला पुलिस सदस्य को सूचना देकर आमंत्रित किया था। यहाँ करीब 150 के करीब आए और उनको मेरे तथा एसडीओपी श्री लालचंद मोहले सर के द्वारा इनको पुलिस की अपराध के संबंध में जानकारी दिया गया। शराब, जुआ, सट्टा की रोकथाम के लिए मदद करें एवं समाज में अपने वार्ड में जहाँ जहाँ इनको नियुक्त किया गया है उस क्षेत्र में इनको सजग रहने और बिना डर भेदभाव के हमारे थाना में सूचना दें। इनको हमारे थाने का शासकीय मोबाइल नंबर एवं प्राइवेट नंबर इनको दिया गया है और बैठक की रजिस्टर में इन सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर मेरे द्वारा लिया गया है
और इनके द्वारा जो भी सहयोग करेंगे, जो सूचना देंगे, उसमें पुलिस तत्परता के साथ कार्रवाई करेगी। सर, पुलिस वॉलंटियर ये हैं, इनके देखा जा रहा है, कई दिनों से देखा जाता है कि कुछ परेशानियां आती हैं, इनको ड्यूटी अपना वहन करने में कुछ परेशानियां आती है। ये कुछ ऐसी कमियां भी है जो इनको पुलिस वॉलंटियर बना दिया गया, लेकिन आज तक इनको ड्रेस कोड नहीं मिला गया, तो आपके द्वारा किस तरह कदम उठाए ताकि इनकी जो कमियां हैं दूर किया जाए? इसको मैं पुलिस आज बताए हैं लोग मीटिंग में, बैठक में, मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं इनके अधिकारियों से चर्चा करूंगा इस संबंध में।